आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगज़ीन औरंगाबाद। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है तो CET के लिए भी अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 8 दिसंबर 2019 को, और उसके अलावा उनका TET का भी रहेगा। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ये दिक्कत आ जाती है बार बार कि गाइडेंस नहीं होता, किस तरह से पहुंचना है, क्या ले जाना है। तो सबसे पहले तो आपका हॉल टिकट आप जैसे ही कलेक्ट कर ले, तो आपका साथ में आधार कार्ड वगैरह कुछ इस तरह से प्रूफ वहाँ पर ले जाए। अगर आपका आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ नहीं ले जाते हैं तो फिर आपको डिसक्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है एग्ज़ाम देने से। तो आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का, तो वो तो एक अलग ही होगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपको 9 बजे से या 10 बजे से जो पेपर रहेगा, TET CET TET ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग जो भी हो, लेकिन 90 मिनट्स बिफोर जो आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, और 90 डेज बिफोर, और एग्ज़ाम भी कोई भी हो या चाहे वो MSCIT हो या फिर किसी भी किस्म का, वहाँ पर अगर आप बगैर आइडेंटिटी कार्ड के जाते हैं तो ये आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप कहीं पर भी जाए, आइडेंटिटी प्रूफ कहीं पर भी लग सकता है। अगर आप कोर्ट में बाई चांस जाना हो जाए आपका कहीं पर भी, तो वहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ लग सकता है। तो हमेशा एक छोटी कॉपी आधार की या फिर किसी ड्राइविंग लाइसेंस, कोई अदर आइडेंटिटीज हमेशा अपने साथ रखें। इसी तरह से अगर आप जैसे ही पेपर 1 के लिए अगर वहाँ पहुँचते हैं, तो जैसे 8 बजे शार्प जब आप आ जाएंगे, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो ट्रेन से और ट्रैवल करके बसेस से वहाँ पहुँच सकते हैं, तो वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिस कर सकते हैं। तो ये तो बेहतर होगा कि आप वहाँ 7 बजे ही पहुँच जाएँ, और उसी हिसाब से 8 बजे पहुँचने के बाद इंट्री हो जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर में। उसके बाद एडमिट कार्ड्स चेक होंगे जो कि 9 AM to 9:15 AM तक चलेंगे, और जो पेपर सेकंड के लिए रहेंगे उन्हें 12:30 PM तक पहुंचना है, और 1:30 PM to 1:45 PM तक ये सारे एडमिट कार्ड्स चेक होंगे। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट बुकलेट जो रहेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे 9:15 AM को, और पेपर 2 के लिए 1:45 PM, और जो सील टेस्ट बुकलेट की ब्रोकन की इजाज़त दी जाएगी तो वो 9:25 AM पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए 1:55 PM। तो ये जो 5 मिनट्स बिफोर दिया जा रहा है टाइम, तो इसमें कैंडिडेट्स के जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको फॉलो करना है। और टेस्ट ये जो कंक्लूड होगा वो 12 नून को होगा पेपर 1 का, और उसी तरह से पेपर 2 का 4:30 PM को। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स, सबसे अहम बात कि बाद में लेट पहुंचते हैं, फिर बाद में इसको उसको कॉल करेंगी, तो अगर टाइम का मिसमैच हो गया है, अगर आपका लक रहा तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के, उसे अटेम्प्ट करने के लिए। CET का जो जो क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चे, तो उनका 6 मंथ्स में आएगा सर्टिफिकेट, वो डिजी लॉकर में भी आ सकता है, आपको नोटिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचे, तो एग्ज़ाम रूम पर पहुँचने के बाद 90 मिनट्स, जैसे हमने बताया है कि 90 मिनट्स बिफोर आपको वहाँ पर पहुँचना है एग्जामिनेशन सेंटर पर, और उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के बाद आप, अगर कोई टाइम ड्यू होता है आपका किसी रीज़न से, ट्रैफिक जैम, ट्रेन बस डिले, तो ये जो है तो इसकी वजह से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन हॉल में जो दिए जाएंगे उससे आप मिस हो सकते हैं। और कैंडिडेट जो है तो उन्हें शो करना चाहिए एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया हुआ है हार्ड कॉपी की शक्ल में, और वो बताने के बाद आपको जैसे आधार कार्ड वगैरह लगेगा, और उसी तरह से एक सीट की जो इंडिकेट करेगा रोल नंबर, तो जो हॉल टिकट पर होगा सीट रोल नंबर, वो हर कैंडिडेट को अलग से उसे मेंशन करना होगा, सिर्फ सीट के लिए ओनली, यानी कि किसी ने चेंज किया है रूम या फिर उसका कोई अलॉटेड किया हुआ रूम था, यानी कि मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट ने इस तरह से करता है कि उसका जो पर्टिकुलर रूम था या उसकी जो सीट थी वहाँ से वो कभी चेंज दिखता है किसी और जगह पर या फिर किसी और रूम में,
तो अगर वो ऐसा पाया जाता है तो उसे वहाँ से एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कैंडिडेट्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि हर मरतबा रिटर्न एग्जाम्स दे देकर हमेशा अपने साथ में बैग वगैरह सारा चीज़ें लेके जाते हैं, कैलकुलेटर, कैलसी और उनका बहुत सारा मटेरियल। तो उस हिसाब से हम बता देते हैं कि अगर किसी किसी भी तरह की स्टेशनरी जैसे कि टेक्सचुअल मटेरियल हो प्रिंटेड या रिटर्न में, या फिर बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल की बॉक्स, प्लास्टिक का पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड और पेन ड्राइव, इरेजर्स, कैलकुलेटर, लॉक टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर स्कैनर, कार्डबोर्ड, इस तरह से ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में परमिशन नहीं रहेंगी। और कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ जो एयरफोन्स है और माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, इस तरह से जो भी है तो वो भी परमिटेबल नहीं होंगे। और वॉच, रिस्ट वॉच, कैमरा, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, ये भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अदर आइटम्स जैसे कि जो हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगे, गैजेट्स जैसे कि कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइसेस, ये भी परमिसेबल नहीं होंगे। और अब आप अपनी मर्जी से तो एग्जामिनेशन सेंटर में आ गए, लेकिन स्पेशल परमिशन के बगैर सेंटर सुपरिटेंडेंट या फिर इन्विजिलेटर जो कंसर्न रहेगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे ही इन्विजिलेटर मौजूद रहेगा वो परमिशन आपको देगा, तभी आप आपकी सीट वहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फुल ड्यूरेशन रहेगा पेपर का वो ख़त्म होने के बाद, और कैंडिडेट जो है तो एग्ज़ाम का जो रूम है या हॉल है, आंसर शीट्स देने के बाद इन्विजिलेटर को और उसके ड्यूटी के हिसाब से साइन करके अटेंडेंस शीट पर सेकेंड टाइम भी देना होगा। और जो केसेस है कि कैंडिडेट ने जिन्होंने साइन नहीं किया है अटेंडेंस शीट पर सेकेंड टाइम पर, तो वो भी जो है तो डीम्ड हैंडेड ओवर नहीं किया है ओएमआर शीट और डील्स नहीं किया है, तो वो एक अनफेयर मींस केस माना जाएगा। और इस तरह से आपको सेकेंड टाइम पर साइन ना करने पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये देख लें कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर में आने के बाद और जाते वक्त में ओएमआर शीट देने के बाद सिग्नेचर किया है या नहीं। उसी तरह से स्मोकिंग, चेविंग, गुटखा और एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही सख्त मना है। टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स, ये सारे अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन रूम में। और 15 मिनट पहले, 15 मिनट्स बिफोर कमिसमेंट ऑफ पेपर, तो इसमें आपको सील जो टेस्ट बुकलेट्स हैं, आंसर शीट उसमें रख कर वो रेडी करना होगी, क्योंकि 5 मिनट तो पहले आपको टाइम दिया गया, अब बचे 10 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स पहले जो आपको पैक करके रखना है, तो आपको पहले से तैयारी से करके रख लेना है। क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलतफहमी भी होते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में बहुत बड़ा जादू हो सकता है और 10-15 मिनट में, और जैसे ही वो डीएड वगैरह में एग्जाम्स पास आकर होकर आते हैं तो वो हर मरतबा उनका ऐसा होता है कि सर बस 2 मिनट 2 मिनट ऐसा करके 5 मिनट ऊपर या फिर एक्चुअल टाइम पर। तो यहाँ पर इस तरह से नहीं रहेगा सर 2 मिनट, वहाँ पर जो है तो आपको 15 मिनट्स बिफोर एग्जामिनेशन ख़त्म होने से पहले वो टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट वो एक रेडी रखना होगी आपको। और इसके अलावा आपको साथ में बॉल पेन लेकर जाना है, बॉल पॉइंट पेंस, ब्लैक या ब्लू दोनों भी लेकर जा सकते हैं आप, तो दोनों भी रख ले तो बेहतर रहेगा। और वहाँ पर आपको किसी किस्म का प्रोवाइड नहीं किया जाएगा पेन अगर आप नहीं ले जाते हैं, तो ये आपको खुद का ही ले जाना होगा। और उसमें जो रिसिप्ट वगैरह भी रहेंगी टेस्ट बुकलेट्स की, उसमें भी आपके खुद के पेन से भी आप साइन कर सकते हैं, और वहाँ पर किसी किस्म का आपको पेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट्स आने तक और इसी तरह से नोटिफिकेशन मिलते रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर रखिए चैनल, और दूसरों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।